नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में, क्योंकि जो सोलर के प्राइजेज हैं वो 2024 में बहुत फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी अप और कभी डाउन, और यहीं से डिसाइड होता है कि हमारी जो सोलर सिस्टम लगवाने की कॉस्टिंग आने वाली है या जो कीमत हमें देनी पड़ेगी ये सोलर सिस्टम लगवाने पर, वो हमें कितनी कीमत देनी पड़ेगी। इस वीडियो से आपको एकदम एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता चल जाएगी कि आपके सिस्टम की उस कीमत की क्या है, सोलर पैनल की कीमत आपको क्या पड़ेगी, आप कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ के सोलर पैनल के ऑप्शन ले सकते हैं और उनसे आपको कितने यूनिट की जनरेशन मिलेगी। इसके साथ ही इन्वर्टर की जो टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो कितने टाइप्स की टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलती हैं और कौन से टेक्नोलॉजी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ACDB, DCDB बॉक्स, नंबर ऑफ बैटरीज, बैटरी का प्राइस क्या होने वाला है, ये सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप एक सोलर सिस्टम लगवाने वाले हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि सोलर में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं आपको उनके बारे में एकदम सही से नॉलेज हो जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कौन सा पैनल आपके लिए बेस्ट रहता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सोलर से जुड़ी हुई कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोज़ के माध्यम से आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। अगर हम लोग किसी भी सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सोलर सिस्टम के अंतर्गत हमारे मेन जो 3 इक्विपमेंट होते हैं वो भी ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के, आज की डेट में आपको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम देखने को भी मिल रहे हैं जिन पर सरकार हमें सब्सिडी देती है, पर अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाते हैं तो हमें कोई सब्सिडी नहीं मिलती। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड में अंतर इतना है कि जो ऑन ग्रिड है वो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है, मतलब लाइट से कनेक्ट होकर चलता है, जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो हमारा सोलर काम करना बंद कर देता है। पर ऑफ ग्रिड के अंतर क्या है कि हम बैटरी लगाते हैं, इसको ग्रिड से नहीं कनेक्ट कराते, तो इलेक्ट्रिसिटी आए या ना आए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप एक 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो उससे आपका क्या क्या लोड चलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है। तो अगर आपके घर पर एसी लगी हुई है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टन तक की, और इसके अलावा जो भी आपके घर के लोड हैं, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गए, ये सभी लोड लिफ्ट कराने की क्षमता आपके 5 किलोवाट के सोलर PCU के अंतर्गत मिल जाएगी, जो कि हमारे KVA के अंतर्गत आते हैं। अभी पूरा डिटेल से समझेंगे KVA और किलोवाट में क्या अंतर है और क्या क्या लोड आपको चलाने को मिलेगा। तो जो सोलर के 3 इक्विपमेंट हैं, सबसे पहले सोलर पैनल, उसके बाद सोलर इन्वर्टर और नंबर 3 सोलर बैटरी, इनका हम लोग प्राइस पता करते हैं कितना प्राइस आपको पड़ेगा और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी। इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंतर्गत। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं 3 टाइप के सोलर पैनल आपके सामने है, जिसमें से पहले टाइप के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैं इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। ये है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है। पर आज की डेट में जो 2024 में सबसे ज़्यादा पैनल हमारे ट्रेन करते हैं या जो लोग इंस्टॉल करवाते हैं और वेंडर भी यही पैनल इंस्टॉल करते हैं, उसमें नंबर 1 पर जो आप ये पैनल देख रहे हैं, नंबर 1 वाला ये पैनल है हमारा मोनोपर्ग हाफ कट पाइप एसियल सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी है। और यहीं पर जो आप ये दूसरे नंबर पर सोलर पैनल देख रहे हैं ये एन टाइप टॉप कॉन टेक्नोलॉजी है। तो इन दोनों पैनल के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है वो बता देता हूँ। देखिए, इसको जब कोई भी सोलर पैनल बनता है तो एन टाइप और पी टाइप के उसमें सोलर सेल्स लगे होते हैं, पर यहाँ पर फर्क पड़ जाता है कि आप मेजर या प्राइमरी सेल किसको बना रहे हैं। तो अगर एन टाइप वाला सोलर पैनल है तो उससे डिफरेंस पड़ता है आपके सोलर पैनल की लाइफ, क्योंकि आपको टॉप कॉन में पैनल में आपने सुना होगा कि 30 साल की आपको वारंटी देखने को मिलती है, जो कि कंपेयर टू हमारे हाफ कट बाइप एसियल से कम है, जो कि हमें हाफ कट बाइप एसियल में 25 साल की मिलती है, और कुछ कंपनियां इससे अब ज़्यादा वारंटी दे रही हैं। आज की डेट में अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो दोस्तों, अगर आपने टॉप कॉन टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगवाया है तो आपको 5 से लेकर 6 यूनिट तक की जनरेशन पर किलोवाट के हिसाब से देखने को मिल जाती है। तो अगर आप 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा रहे हैं तो 30 यूनिट तक हम मान के चल सकते हैं कि अगर हमारा अच्छा सनी डे है, हर एक चीज़ अकॉर्डिंग है सोलर के, तो हमें 30 यूनिट तक जनरेशन मिल जाती है। और सेम वही चीज़ अगर हम लोग बात करें अपना हाफ कट बाइक एसियल की, तो यहाँ पर भी हमें 5+ यूनिट की जनरेशन मिलती है, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 25 से लेकर 30 यूनिट तक की जनरेशन आपको मिल जाएगी एक अच्छे सनी डे के दिन। अब दोनों के प्राइस में एक बड़ा मेजर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है,
वो क्या मिलता है कि जैसे अभी देखिए दोस्तों, टॉप वन टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में नई नई इंट्रोड्यूस हुई है, वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इससे कम से कम 5 times बेटर पैनल्स वर्ल्ड वाइड मौजूद हैं, पर इंडिया के अंदर वो पैनल अभी नहीं मौजूद है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो टॉप वन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसकी वजह से इसकी ना अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी है, और अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो इसका प्राइस है वो प्राइस काफ़ी हाई है। कोई आपको यही पैनल 28 रुपये का देगा, कोई 30 रुपये का देगा, और सेम टॉप वन टेक्नोलॉजी पैनल आपको 35-35 रुपये तक चार्ज किया जाता है पर वाट के हिसाब से। पर अगर आप मोनो पर हाफ कट बाई फेशियल की तरफ जाते हैं तो ये पैनल आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, सिर्फ 22 रुपये पर वाट के हिसाब से। हाँ, 1-2 रुपये का फर्क आएगा। वो कैसे आएगा? अगर आप मान लीजिए किसी कंपनी का ले रहे हैं तो वो 21 में बेच रही है, कोई दूसरी कंपनी वही 23 में बेच रही है, कोई 22 में बेच रही है, पर एक सही प्राइस जो है वो 22 रुपये पर वाट के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो अपने सिस्टम में हम लोग अगर इस मोनो पर हाफ कट को लेकर चलते हैं तो जो इसका प्राइसिंग आएगा 5 kW सोलर पैनल, क्योंकि 5 kW सोलर पैनल हम लगाएंगे अपने सिस्टम के अंतर्गत, तो उसकी कॉस्टिंग आएगी 22 रुपये के हिसाब से। अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं 5 kW का पैनल, तो 110,000 रुपये हमारे सोलर पैनल की कॉस्टिंग हो जाएगी जाकर। तो नंबर एक पर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें जो सोलर पैनल है वो हाफ कट बाई फेशियल लेना है और उसकी कीमत 110,000 हो गई। अब हमें दूसरा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड। यह है दोस्तों सोलर का दूसरा इक्विपमेंट, और वो है हमारा सोलर इन्वर्टर या सोलर PCU। PCU और इन्वर्टर के थोड़े से फीचर्स का डिफरेंस होता है, पर हम लोग इसको इन्वर्टर या PCU दोनों नाम से प्रोनाउंसिएट करेंगे। आपको मार्केट के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के ये सोलर PCU देखने को मिल जाएंगे। आज की डेट में एक नया ट्रेंड आया है ट्रांसफार्मर्स लेस टेक्नोलॉजी का, और इसके अंतर्गत क्लेम किया जाता है कि जो इसके लॉसेज है, क्योंकि हर इन्वर्टर हो या हमारा सोलर इन्वर्टर हो उनके अंदर लॉसेज होते हैं, तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजी में आपके लॉसेज कम होते हैं। पर लॉसेज आपके थोड़े से कम होते हैं तो प्राइस आपके बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और दूसरी चीज़, इंडिया के अंतर्गत आपको इंडियन ब्रांड के बहुत मुश्किल है जो आपको ट्रांसफार्मर लेस टेक्नोलॉजीज मिले, क्योंकि सब चाइना से इंपोर्ट होकर माल आता है, अपने अपना बैच लगाकर बदल देते हैं, अपना यहाँ ब्रांड लगाया और उन्होंने बता दिया कि ये मेड इन इंडिया है, ये मैन्युफैक्चर मतलब मैन्युफैक्चर नहीं, क्योंकि मेड इन इंडिया बना देंगे वो, जबकि असेंबलिंग होती है इसकी इंडिया के अंदर। तो मेरी सलाह रहेगी कि आप ट्रांसफार्मर टेक्नोलॉजी के साथ ही जाएं, क्योंकि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी है। क्योंकि अगर हमारा ये इन्वर्टर ख़राब होता है तो हमारा आसपास का मैकेनिक भी इन्वर्टर को सही कर देता है। अगर हम लोग 5 kW के बेस्ट ऑप्शंस की बात करें तो आपको UTL, ल्यूमिनस, एप्रो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से अपने लिए ब्रांड सेलेक्ट कर सकते हैं। और फीचर्स क्या मिलेंगे? फीचर्स आपको मिलेगा, यहाँ पर पहले फीचर से पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि जो इन्वर्टर के हमारे टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दो टेक्नोलॉजीज़ के आते हैं, एक PWM टेक्नोलॉजी आता है और एक MPPT टेक्नोलॉजी आता है। और यदि आप 5 kW का सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है आप PWM की तरफ ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपके जो पैनल, आप मान लीजिए अपने 5000 वाट के पैनल लगाए हैं, पर PWM टेक्नोलॉजी में क्या है, लॉसेज ज़्यादा है, तो आपके पैनल ये मानेंगे कि 4000 से 4500 वाट तक के पैनल जैसा ही आपको आउट मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अगर आप MPPT लगाएंगे तो 4500 वाट के प्लस का आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि MPPT में लॉसेस कम होते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा इसका प्राइस पड़ेगा जाके, आप इसको 10,000 रुपये पर KVA के हिसाब से लेकर चल सकते हैं, मतलब 5 kW का इन्वर्टर आपको 45,000 से लेकर 50,000 रुपये तक आराम से मिल जाएगा, अच्छी से अच्छी कंपनी का मिल जाएगा ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर। और ये इन्वर्टर की जो लोड लिफ्ट कराने की कैपेसिटी होगी वो होगी आपकी करीब 3500 वाट तक की, मतलब अगर आपका लोड 3500 वाट तक आता है तो आप एक 5 kVA के सोलर PCU की तरफ जा सकते हैं। हाँ, एक ड्यूल MPPT का कॉन्सेप्ट आपने और सुना होगा कि ड्यूल MPPT है, तो वहाँ पर आपको जो सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल का सपोर्ट है वो बड़ा हुआ देखने को मिलता है, लोड उठाने की कैपेसिटी आपको वहाँ पर बड़ी हुई देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम किसी भी ब्रांड का एक अच्छा सोलर PCU लेते हैं MPPT टेक्नोलॉजी का, तो दोस्तों जो उसकी कॉस्टिंग आएगी वो हमारी 50,000 रुपये उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। तो दो चीज़ें हमने डिसाइड कर ली, एक हमारा 110,000 रुपये का पैनल का खर्च था और हमारा 50,000 रुपये सोलर PCU का खर्च है। अब हमें तीसरे कूपन की जरूरत पड़ेगी और वो है हमारा सोलर बैटरी। बैटरी एक मेंटेनेबल आइटम है, तो यहाँ पर बैटरी का सिलेक्शन आपको बहुत संभल कर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक गलत बैटरी का चुनाव करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 या 3 साल में गारंटी के बाद अगर बैटरी ख़राब हो गई तो आपका वो लॉसेज में चला जाता है। बैटरी की बात करें तो अगर 5 kW का सिस्टम है तो हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, एक 48 वोल्ट का ऑप्शन आता है,
ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग सिर्फ रात में 2 या 3 घंटे एसी चलाना चाहते हैं, पर अगर आप इससे ज़्यादा चलाना चाहते हैं तो आप 96 वोल्ट के 5 kVA के ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ बैटरीज आपकी बढ़ जाती हैं। अब ये 48 वोल्ट और 96 वोल्ट है क्या? देखिए दोस्तों, अगर हम कोई एक टार ड्यूपलर बैटरी लेते हैं तो वो बैटरी हमारी 12 वोल्ट की होती है। तो अगर 12 वोल्ट की एक बैटरी है तो 48 वोल्ट है, तो मतलब हमें नंबर ऑफ बैटरी 4 की ज़रूरत पड़ेगी जाकर। और हम एक बेस्ट सिस्टम अगर डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो हम बैटरी यूज करेंगे, मैं सोलर में हमेशा कहता हूँ कि आप कम से कम 200 Ah की बैटरी ज़रूर यूज करें, क्योंकि जब आप सोलर नहीं यूज कर रहे होंगे तो इससे आपका जो सोलर पैनल अगर आपने 5 kW का लगा कर रखा है तो उससे आपकी बैटरियाँ फुल चार्ज होती रहेंगी, और अगर इससे 50 Ah की है तो वो जल्दी भर जाएंगी, उसके बाद आपके सोलर के लॉसेस होंगे। अगर आप एक 200 Ah की बैटरी लेते हैं तो वहाँ पर आपको 17,000 रुपये में एक 200 Ah की बैटरी मिल जाएगी, और नंबर ऑफ बैटरी 4 है तो यहाँ पर हमें 68,000 से लेकर 70,000 रुपये तक का खर्च करना पड़ेगा किसी भी सिस्टम को की बैटरी का कॉम्बिनेशन के लिए। और 96 है तो 17 × 8 कर सकते हैं आप, जो वैल्यू निकल कर आएगी वही आपके सिस्टम की कॉस्टिंग होगी। अब इसके बाद देखिए, 3 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर डिसाइड कर ली, और जो मेन 3 इक्विपमेंट्स हैं, एक बार उनकी हम लोग सारे चीज़ों के प्राइजेज जोड़ लेते हैं, और उसके बाद जो BOS का खर्चा आता है, बैलेंस ऑफ सिस्टम का, उसके बारे में जान लेते हैं वो खर्चा कितना आता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 1,10,000 रुपये का हमारा सोलर पैनल हो गया, 50,000 रुपये का हमारा इन्वर्टर हो गया, और करीब 70,000 रुपये अगर 200 Ah की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, कॉस्टिंग कम करनी हो तो 12,000 में आपको 50 Ah की बैटरी मिल जाएगी। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, 7×5 = 12 और 1×13 = 1 और 2, मतलब 2,30,000 रुपये में आपका मेन 3 इक्विपमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा कि अब हमें BOS में क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, बैलेंस ऑफ सिस्टम में जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ये जो सोलर पैनल लगा है ये कहीं ना कहीं तो माउंट है ना, इसके लिए हमें चाहिए होगा स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर ऐसा जो सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी के साथ हमारे टिका खड़ा रहे। तो ऐसे में आप जाइए GI, मतलब ग्लेवनाइज्ड आयरन के स्ट्रक्चर की तरफ। और एक बहुत अच्छी चीज़ कि आप स्ट्रक्चर इंडिविजुअल ना परचेज करके अगर इंस्टॉलर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं हर चीज़ सस्ती पड़ती है। और इंस्टॉलर अगर आप 5 kW का सिस्टम लगवा रहे हैं तो 8 रुपये पर वाट के हिसाब से चार्ज करता है, तो अगर हम 5,000 वाट के पैनल के हिसाब से जोड़ रहे हैं तो 40,000 रुपये हमें इंस्टॉलर को देने पड़ते हैं। और इसके अंदर इंस्टॉलर हमें देता क्या है, इसके अंदर देखिए हमें GI का स्ट्रक्चर इंस्टॉलर का होगा इस 40,000 के बजट के अंदर, और जो भी इंस्टॉलिंग प्रोसेस होगा, आपका इन्वर्टर पैनल लगाना, कनेक्शन करना, बैटरी जोड़ना, ऊपर चढ़ाना, ये सारे काम आपका इंस्टॉलर के बिना पे होगा। इसके तहत आपको 15 मीटर वायर भी इंस्टॉलर के साइड से अवेलेबल होगा, अगर आप इससे ज़्यादा लेते हैं तो वहाँ पर आपको 50 रुपये पर मीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। और 5 kW के सिस्टम में 6 square mm की यहाँ पर केबल यूज़ की जाती है, वो भी ब्रांडेड, और जो हमारी सोलर केबल होती है वो होती है हमारी एल्यूमिनियम की। तो अगर आप ये सोचते हैं कॉपर की तो कॉपर नहीं लगता, क्योंकि कॉपर में लॉसेज ज़्यादा पड़ जाते हैं, इसलिए सोलर के अंतर्गत एल्यूमिनियम की केबल यूज की जाती है। इसके अलावा अगर आप ACDB, DC DB और अर्थिंग का खर्चा जोड़ लें तो 10,000 रुपये हमारा और खर्च हो जाता है पूरे सिस्टम को इंस्टॉल करवाने में। तो ये हमारा हो गया 40,000 + 50,000 रुपये, मतलब अगर आपने एक पूरा सिस्टम इंस्टॉल करवाया है पूरा प्रॉपर सही ढंग से एक्सपर्ट के हेल्प से, तो जो आपकी कीमत आने वाली है वो आने वाली है दोस्तों, जो हम 230 में 50,000 रुपये और जोड़ देंगे तो उसकी कीमत आएगी 2,80,000 रुपये, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की कीमत जो आपकी एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी से आप 25 साल बिना किसी टेंशन के सोलर से अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो जाएगी। यह सबसे अच्छा एक मेन पॉइंट है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी हमारी 5 साल तक चल जाती है, और उसके बाद जब बैटरी हमें रिप्लेस करनी होती है तो 35% से 40% की लागत पर हमारी बैटरी रिटर्न हो जाती है। मतलब अगर आपने एक बार ये सिस्टम में लगा कर रखी है बैटरी, तो वहाँ पर जब आप दोबारा लेने जाएंगे तो मान लीजिए 70,000 की आपने आज बैटरी खरीदी, तो अगली बार आपको 40,000 से 45,000 रुपये की बैटरी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था वो कंप्लीट वीडियो एक 5 kW के सोलर सिस्टम का। अगर पसंद आया था तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए से तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।